हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस जुडिशरीज इनिशिएटिव द लॉ एमसीक्यूज़ प्रोग्राम प्रैक्टिस कवरिंग लीगल करेंट अफेयर्स जनरल नॉलेज एंड प्रीवियस डेज प्रैक्टिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोविजन फॉर कस्टडी अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन Section 185, सेक्शन वन सेक्शन और सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत हिरासत का प्रावधान क्या है धारा एक सौ धारा एक धारा एक या धारा एक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेक्शन 187 इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा एक सौ रीसेंटली इन द केस ऑफ तुषार भाई रजनीकांत भाई शाह वॉज स्टेट ऑफ गुजरात द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बिफोर एक्सरसाइजिंग द पार्ट टू ग्रांट पुलिस कस्टडी द कोर्ट्स मस्ट अप्लाई जुडिशियल माइंड

that द confessions पुलिस कस्टडी आर इन are सेक्शन ट्वेंटी टू सेक्शन ट्वेंटी थ्री सेक्शन थर्टी वन और सेक्शन थर्टी टू भारतीय साक्ष्य नियम 2023 तेईस के अंतर्गत कौन सी धारा कहती है कि पुलिस हिरासत में किया गया एक बालिया बयान अस्वीकार्य है धारा 22, धारा तेईस धारा 31 या धारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेक्शन 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 23। रिसेंटली इन द केस ऑफ अल्लाह रखा हबीब मेमन एटसेट्रा वॉज स्टेट ऑफ गुजरात द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्डेड बाय बाई मेडिकल ऑफिसर वेल प्रिपेयरिंग द इंजरी रिपोर्ट्स ऑफ दूसड ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी इज इन एविडेंस। सेक्शन ट्वेंटी भारतीय साक्षी अधिनियम ट्वेंटी थ्री स्टेट्स मेड इन पुलिस कस्टडी आर इन हाल ही में अल्लाह रखा हबीब मेमन आदि बनाम गुजरात राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि पुलिस हिरासत के दौरान अभियुक्त की चोट रिपोर्ट तैयार करते समय एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया कबूलनामा साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य है भारतीय साक्ष्य अधिनियम दो की धारा तेईस में कहा गया है कि पुलिस हिरासत में किया गया एक बालिया बयान अस्वीकार्य है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव दर्म हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिस्ट जैन सिख और ऑल ऑफ दिंदू विवादिनियम उन्नीस सौ पचपन के अनुसार हिंदू शब्द में डैश शामिल हैं बौद्ध

Dash, void, voidable, valid, मुता मैरिज एज डैश वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड और इनवैलिड। सुन्नी मुसलमान मुता विवाह को डैश मानते हैं शून्य शून्य करणीय वैध या अमान्य इज ऑप्शन ए वॉइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शून्य सुन्नी मुस्लिम्स कंसीडर मुता मैरिज वाइट वेर इज शिया मुस्लिम्स कंसीडर इट वैलिड

भारत में मृत्यु बचन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब डील्स विद कैपिटल पनिशमेंट इन इन इंडिया। दिस केस, राज्य उन्नीस सौ अस्सी भारत में मृत्युदंड से संबंधित है इस मामले में मृत्युदंड के लिए डॉक्टर सिद्धांत स्थापित किया गया था अ क्वेश्चन फॉर यू Which article of the constitution of india specifies the original jurisdiction of the supreme court of india article 134 article 133 article 132 or article 131 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है अनुच्छेद 134 अनुच्छेद 133 अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 131 इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद